हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है जिसके कारण कुछ दिनों में हमें दूध का दूध पानी का पानी देखते हुए मिल सकता है। ब्राइटकॉम ग्रुप में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप जानते हो, अलग अलग जगह से ईडी हो सेबी हो, इसी बीच और एक जो है गवर्नमेंट बॉडी की इसमें एंट्री हो चुकी है। क्या है न्यूज़, आइए जानते हैं। सॉरी, ये न्यूज़ मुझे एक्चुअली कल ही पता चल गई थी, बट बाद में रात को वीडियो बनाना पॉसिबल था नहीं, दिन भर भी मैं बना नहीं पाता हूँ, इसलिए ये न्यूज़ देने के लिए आपको देर हो गई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये क्या है बड़ी बिग न्यूज़, ये बताने के पहले आपको बता दूँ आज का अपडेट क्या हुआ है। आज 18 रुपीज़ 20 पैसे पर क्लोज़ हुआ बैटकॉम ग्रुप का शेयर, 0.50% प्लस में क्लोज़ हुआ, वही रेंज में घूम रहा है बैटकॉम ग्रुप का शेयर, 18 रुपये के आसपास अपनी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप दिन भर देखते होंगे तो सेलिंग प्रेशर हरदम ज़्यादा ही रहता है, बाइंग प्रेशर कम होने के कारण शेयर ऊपर जा नहीं पाता है। एनएससी बीएससी मिलाकर करीब करीब 2.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, जो कि डिलीवरी की बात करें तो 43% की डिलीवरी उठाई गई है। आज डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा बढ़ते हुए दिखा है, ये पॉजिटिव बात है। उसके अलावा एमओ ऑर्डर की बात करें तो 800 शेयर्स की एमओ ऑर्डर लगी हुई है बाइंग के लिए, 800 शेयर्स की। अब बड़ी न्यूज़ क्या आई है, एज पर रिपोर्ट फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, इन्होंने रजिस्टर ऑफ कंपनीज ROC ऑफ हैदराबाद, इनको डायरेक्ट किया है, इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ब्राइटकॉम ग्रुप की जाके चेक करो, और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ईडी के द्वारा सेबी के द्वारा, उसकी छानबीन करो, उसका क्या है अंदर का मामला हमें बताओ। तो ये गुड न्यूज़ क्यों है फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ इसीलिए है कि देखिए ईडी और सेबी ये दोनों अलग अलग केस में ब्राइटकॉम ग्रुप से केस जो है चल रही है, सैट केस में सेबी लड़ रही है हाईकोर्ट में, ईडी लड़ रही है ब्राइटकॉम ग्रुप से, वहाँ पे तो जो है हमें तारीख पे तारीख मिल रही है, कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। तो इसी बीच काफ़ी इन्वेस्टर लोगों ने अलग अलग जगह पे ट्वीट किया और अलग अलग जगह मेल्स भी भेजे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी काफ़ी शेयर होल्डर्स ने जो है मेल किया, ट्वीट किया, और उन्होंने कहा है उनको कि भाई ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स जो है फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, इनके लिए कुछ ध्यान दो, ऐसा काफ़ी लोगों ने मेल किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। और फाइनली उसका नोट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लिया और उन्होंने डायरेक्ट किया है रजिस्टर ऑफ कंपनीज हैदराबाद को कि ब्राइटकॉम ग्रुप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करो, देखो उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसमें क्या निकल कर आता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो मामला जो अटका हुआ है काफ़ी दिनों से, ये ख़त्म हो जाएगा। और हैदराबाद की लोकल बॉडी है, अगर बाहर की बॉडी रहती थी मुंबई की दिल्ली की तो टाइम पास होता था, वो जाते थे वहाँ के ऑफिसर्स, फिर ये नहीं मिला वो नहीं मिला, फिर से वापस आ जाते थे। बट हैदराबाद ROC को डायरेक्शन देने के कारण, हैदराबाद के लोकल में होने के कारण, हो सकता है कि उनको ज़्यादा जल्दी कंक्लूजन इसमें निकालते आए, छानबीन करते आए। और ये जो पेंडिंग पड़ा हुआ मामला है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ROC ने क्लीन चिट दे दी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के ऑफिशल्स ने क्लीन चिट दे दी उनके रिपोर्ट में कि सब ठीक ठाक है, तो बहुत सी बातें क्लियर हो जाएगी। या उन्होंने कम से कम उसमें सेबी ने जो आरोप लगाया है, ईडी ने जो आरोप लगाया है, उसके बारे में रिपोर्ट दे दी कि हाँ भाई उन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये बात सही निकली, ये बात गलत निकली। तो हम तो यही चाहते हैं, मार्केट यही चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, पिक्चर क्लियर हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कौन सही है कौन गलत है। ये बातें एक बार क्लियर हो जाएगी तो शेयर में जो कब से जो एक अटका हुआ पड़ा है मूवमेंट, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है कि बड़ा कोई मसला नहीं निकले, बड़ा कोई फ्रॉड नहीं निकले, तो थोड़ा बहुत पेनल्टी मारकर ये कहानी आगे बढ़ सकती है, वो जो केस चल रहे हैं उसको क्लोजर मिल सकता है और कहीं ना कहीं ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर फिर से मूवमेंट में आ सकता है। तो ये अच्छी बात है। अब देखना यह है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑफिशियल्स हैं, मैनेजमेंट है, वो ROC को कितना कोऑपरेट करते हैं, जल्द से जल्द कितना उसको बातें क्लियर करते हैं, क्योंकि सेबी के लगाए हुए जो एलिगेशंस है आरोप है वो अलग है, ईडी ने लगाए हुए एलिगेशंस आरोप अलग है। तो ये दोनों का कंक्लूजन अभी ROC क्या निकालती है, ये देखने वाली बात होगी।
हालांकि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, इसके बाद में कोई अपडेट भी अभी आना ज़रूरी है कि आरओसी की ओर से कुछ अपडेट आना चाहिए कि भाई हमने छानबीन शुरू कर दिया है, ये स्टेज पे है, ऐसा कुछ निकल कर आया, या ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए इस बारे में कि हाँ भाई आरओसी का छानबीन हमारे यहाँ शुरू हो चुका है और हम फुल्ली कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा अभी उनके ओर से आ गया तो एक पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट का भी एक ड्यूटी है कि उन्होंने इसका रिस्पॉन्स देना चाहिए इन्वेस्टर्स को और बताना चाहिए कि उनके यहाँ पे आरओसी के लोग आए क्या, उन्होंने छानबीन के लिए क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं और उसमें क्या उनके ओर से एक्शन लिया जा रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से। और अगर वो पॉजिटिवली लिख देते हैं कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे आरओसी को, हमें कोई दिक्कत नहीं है एंड वी वेलकम देम, ऐसा अगर उन्होंने कहा तो काफ़ी बातें क्लियर हो जाएगी और जल्द से जल्द ये सब बातें क्लियर होगी तो ही शेयर के प्राइस में मूवमेंट होगा, इस बात का हमें याद रखना है। तो आशा करते हैं कि कम से कम आरओसी की ओर से तो भी कुछ तो भी है कॉन्क्रीट और एक कंक्लूसिव कोई आउटकम निकले जिसके कारण शेयर में जो एक रुका हुआ है मूवमेंट वो तेज़ी में बदले, यही हम लोग आशा कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हो एक बार होके फिनिश होना ज़रूरी है, भले ही वो एक्शन हो रिएक्शन हो कुछ भी हो, पर जब तक ये बातें ख़त्म नहीं होगी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस बात का इन्वेस्टर लोगों को जो चिंता सता रही है, कहीं ना कहीं इसमें एक पॉजिटिव आउटकम आएगा यही आशा करते हैं। और आशा करते हैं कि ईडी सेबी और अब जो है आरओसी, इसमें से कोई तो जल्दी कंक्लूजन निकाले कोई चीज़ का और मामला रफा दफा हो और कंपनी फिर से नॉर्मल काम करने लगे और शेयर का प्राइस फिर से बढ़े। देखते हैं इसके बारे में क्या अपडेट आती है और मैनेजमेंट की ओर से इसके बारे में कोई कॉमेंट्री या कोई नोटिफिकेशन आता है क्या, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बट हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा मैनेजमेंट के लिए कि जितना जल्दी हो सके ये सब बातें ख़त्म करो भाई और आगे बढ़ो, आप भी चैन से रहो और इन्वेस्टर्स लोगों को भी चैन से जीने दो और शेयर के प्राइस ऊपर जाए, यही आशा हम लोग कर सकते हैं इस मोमेंट से। थैंक यू फ्रेंड्स।